हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, ये है आज की वर्कशीट। आज का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले है ऊपर डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली। ये आप अपनी वर्कशीट के ऊपर ज़रूर लिखें। क्रियाकलाप नंबर 58 यानी कि 58 KG से दूसरी कक्षा के लिए। दिनांक यानी कि डेट है 10/9/2020। कक्षा व भाग, यहाँ आप अपने क्लास एंड सेक्शन लिखेंगे। बच्चे का नाम, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। अध्यापक / अध्यापिका, यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट का नाम है खेल खेल में। बच्चों, खेल खेलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये हमें चुस्त और दुरुस्त बनाते हैं। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में खेल के बारे में क्या जानकारी दी गई है। सबसे पहले दिया गया है, खेल का सामान बेचने वाले एक दुकानदार को और सामान खरीदने जाना है। उसके पास हर खेल का सिर्फ एक ही सामान बचा है। खेल पहचान कर दूसरे सामान का चित्र बनाइए और दुकानदार की मदद कीजिए, साथ ही खेल का नाम भी लिखिए। तो इसका मतलब है, देखिए बच्चों, दुकानदार है, दुकानदार के पास कुछ खेल का सामान तो है, पर हर एक खेल के सामान का एक एक सामान बचा है और दूसरा सामान हमें उसको बताना है कि क्या होगा और उस खेल से जुड़ा खेल का नाम भी लिखना है। इधर बच्चों मदद करते हैं दुकानदार की। तो सबसे पहले है यहाँ रैकेट। रैकेट के साथ आप किससे खेलते हो? छुरी से, यानी कि कॉक से। ये है वो कॉक, या आप यहाँ पर इसका चित्र बना दोगे और ये आप बैडमिंटन नाम भी लिखेंगे साथ में इसका। उसके बाद दूसरी गेम है लूडो। ये लूडो का कार्ड बना हुआ है जो आप खेलते हो, बोर्ड है ये लूडो का। अब उसके लिए क्या क्या चाहिए? पहले तो हमें ये गोटियाँ चाहिए जो कि ले रही, और हमें चाहिए डाइस भी जो कि ले रही। ये दोनों का चित्र बनाएंगे और यहाँ लूडो भी आप लिख देंगे। उसके बाद अगला है कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड दिया गया है, तो कैरम बोर्ड के साथ और क्या चाहिए होता है खेलने के लिए, सोचिए। यस, स्टिकर्स जो कि ले रहे, और कैरम बोर्ड कैरम का नाम भी लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद अगला है बैट। दिया गया है यहाँ पे, बैट के साथ हम क्या किस चीज़ से खेलते हैं? बॉल से। देखिए बॉल आई है उछलती हुई, तो यहाँ है क्रिकेट। क्या बोलते हैं इस खेल को? क्रिकेट। तो आप ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद है अगला गेम लट्टू। दिया गया है लट्टू को किस चीज़ से घुमाते हैं? रस्सी से घुमाते हैं, और लट्टू भी लिख देंगे क्योंकि ये इस खेल का नाम है। उसके बाद नीचे दी गई है हॉकी स्टिक। हॉकी स्टिक को खेलने के लिए हमें चाहिए गेंद जो कि आ गई है, और ये हॉकी ना लिख देंगे आप यहाँ पे। तो बच्चों इसी तरह हर खेल से जुड़ा हुआ उसका दूसरे सामान का चित्र बनाइए और उस खेल का नाम भी लिखिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, आपका मनपसंद खेल कौन सा है? क्या आप इस खेल को खेलने का नियम बता सकते हैं? बच्चों आपका मनपसंद खेल आपको लिखना है, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट, बैडमिंटन, लूडो। और क्या आपको उस खेल का नियम पता है, तरीका पता है कि कैसे खेलते हैं? तो आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, या फिर उस खेल का तरीका बताते हुए वीडियो भी बनाकर भेज सकते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि आजकल आप घर में कौन कौन से खेल खेलते हैं और किसके साथ खेलते हैं? मतलब आप घर में क्या क्या खेलते हैं और किसके साथ, वो आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पर बच्चों ये जो ऊपर गेम आई है, खेल आए हैं, उनके उत्तर भी दिए गए हैं। आप इधर से हेल्प ले सकते हैं और KG कक्षा के बच्चे अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। बच्चों ये है आज की वर्कशीट। सभी बच्चे वर्कशीट करिए। थैंक यू।